आजम खान ने कहा है कि अयोध्या नाम सही नहीं है, उसका नाम रामपुर होना चाहिए और रामपुर का नाम। अरे उनके पास तो फालतू बातों के लिए वक्त ज्यादा है, हम उनकी हर बात का जवाब देने के लिए सक्षम नहीं। प्रकाश राजभर जी ने कहा है कि अगर मुगलों के नाम से, अरे हमसे पूछो कि हमसे क्या चाहते हो, आप अपनी बात कहो। ये लोग जो हैं इनके बात करने के ऊपर कोई कमेंट करना जरूरी नहीं है, इनके पास वक्त ज्यादा है, इनके पास फालतू वक्त ज्यादा, हमारे पास काम का वक्त है, कोई काम की बात करो हम जवाब देंगे। 13 जिले आए हैं, कुछ जिसमें 13 जिलों में अपना भी शाहजहांपुर आ गया है नाम बदलने का। यूपी ने ये ठाना है स्वच्छ माहौल बनाना है, इसी उद्देश्य को लेकर उत्तर प्रदेश भर में सारे नगर निगमों में रैलियां आयोजित की जा रही हैं स्वच्छता की, और विशेष रूप से हम उन रैलियों में भाग भी ले रहे हैं। आज 2 रैलियां, एक बरेली में, एक शाहजहांपुर में आयोजित की गई, कल आगरा और फिरोजाबाद है, परसों अर्थात 14 तारीख को मथुरा और अलीगढ़, और 15 तारीख को सहारनपुर और मुरादाबाद, 16 तारीख को कानपुर और झांसी, 18 तारीख को लखनऊ, 19 तारीख को गाजियाबाद और मेरठ, 22 तारीख को फैजाबाद और गोरखपुर, और 24 तारीख को इलाहाबाद और बनारस। इतनी रैलियों में हम खुद जाएंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे प्रधानमंत्री जी ने शपथ लेने के बाद जो पहला 15 अगस्त का उनका संबोधन था, उन्होंने इस पर विशेष बल दिया। गांधी जी ने कहा था कि स्वच्छता आजादी से ज्यादा महत्वपूर्ण है। योगी जी ने सरकार बनने के बाद 6 मई 2017 को बालू अड्डे से स्वच्छता की शुरुआत की, 2 घंटे महीने के पहले शनिवार को श्रमदान के माध्यम से स्वच्छता हो, सफाई हो, सारे लोग उसमें सहयोग करें, इसका आह्वान किया। उसी श्रृंखला में ये हमारा एक नया कार्यक्रम हमने लॉन्च किया है, 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक स्वच्छ वार्ड प्रतियोगिता। इसके लिए हमने एक मानक बनाया है और 2000 नंबरों की यह प्रतियोगिता में जो स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहन समिति अच्छा प्रदर्शन करेंगी, जिनका वार्ड साफ सुथरा रहेगा, जो अपने शहर में बेहतर प्रदर्शन करेगा, उसको जिला स्तर पर 23 दिसंबर को सम्मानित किया जाएगा। और